हे गाइस, और एक बहुत ही कमाल के वीडियो में आपका स्वागत करते हैं भाई मोटोरोला की तरफ से। और एक नया फोन बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो है मोटोरोला मोटो एज 40। भाई एज 30 आया था, अभी एज 40 का टाइम है, बहुत ही जल्दी आने वाला है। इसका ऑफिशियल इंडियन लॉन्च डेट निकल के आ चुका है, साथ में इसका प्राइसिंग क्या रहने वाला है वो भी आपको बताएंगे, एक्सपेक्टेड प्राइसिंग बताने वाला है, एंड साथ में इसके स्पेसिफिकेशन क्या होने वाला है। एंड ये जो फ़ोन है मोटोरोला मोटो एज 40, इसको फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग कर चुका है, तो कैसे ये बहुत ही जल्दी आने वाला है, मतलब इसका ऑफिशियल लॉन्च डेट तो निकल के आ चुका है। तो दोस्तों सब कुछ बताएंगे इसी मोटोरोला मोटो एज 40 के बारे में। अगर कैसे इस फोन के बारे में आपको जाना है तो कैसे लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो कैसे ज़्यादा बातें नहीं करके वीडियो आर्ट से शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस फोन के एक लुक आप देख लीजिए, कुछ ऐसा डिज़ाइन एंड लुक के साथ ये आने वाला है। पीछे आपको लेदर फिनिश के साथ, अफकोर्स भाई प्लास्टिक का बैक मिलेंगे, लेदर फिनिश के साथ आने वाला है। इसका जो फ्रेम होने वाला है भाई, इस बार सरप्राइजिंगली भाई इधर आपको मेटल देखने के लिए मिलेंगे। भाई मेटल फ्रेम इस प्राइस पॉइंट पर, जो प्राइस पॉइंट पर ये आने वाला है, उस प्राइस पॉइंट पर ये कतई मतलब नहीं देखने के लिए मिल जाते हैं, ऑब्वियसली मतलब नॉर्मली नहीं देखने के लिए मिलेंगे, बट इस फोन में आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि इसे बहुत ही बड़ा बात हो जाता है भाई मोटोरोला की तरफ से, इसलिए मोटोरोला को एक लाइक जोर से बनता है। एंड साथ में इसमें आपको मिलेंगे दो कैमरा पीछे रियर पे, दो टिप डुअल कैमरे के साथ इस बार आने वाला है, ट्रिपल कैमरा नहीं मिलेंगे। साथ में इस बार आपको दो LED फ्लैश मिलेंगे, मोटोरोला का ब्रांडिंग मिल जाएंगे, एंड स्क्वायर शेप में इसका जो कैमरा मॉड्यूल है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। एंड साथ में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। और गाइस इस फोन में ना आपको वही मिडिल पेंसिल सेल्फी कैमरा मिलेंगे, एंड इसका जो डिस्प्ले होने वाला है थोड़ा सा छोटा होने वाला है, 6.55 इंच का फुल HD प्लस 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ ये आने वाला है, जिसमें आपको फुल HD प्लस POLED डिस्प्ले के साथ आते हैं। भाई आपको पता ही होंगे भाई मोटोरोला का जितने भी सारे फोन्स आप देखेंगे POLED के साथ आते हैं, POLED, AMOLED एंड सुपर AMOLED मतलब एक ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, मतलब कुछ पतला होता है, कुछ थोड़ा सा मोटा होता है, ऐसे कुछ होता है, बट आपको कलर जो देखने के लिए मिलेंगे लगभग सेम टू सेम ही मिलेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करने वाले इस फोन की प्रोसेसर जो है इधर आपको मिलेंगे, MediaTek की तरफ से इसका प्रोसेसर लाया जा रहा है, जो है MediaTek Dimensity 8020, जो गाइस आपको पता होंगे 1200 MediaTek Dimensity 1200 या 1300 जो आया था उसी का ही आप एक रूप बोल सकते हो, उसी प्रोसेसर को ही इधर आपको अब नाम चेंज करके, नाम बदल करके इधर आपको देखने के लिए मिलेंगे, चिपका दिया जाएगा, ठीक है। तो गाइस उसी प्रोसेसर को इधर लाया जा रहा है, तो गाइस प्राइसिंग उतना हाई नहीं होने वाला है, कितना होने वाला है वो आपको लास्ट में जाके बताएंगे, तो भाई लास्ट तक जरूर देखना। साथ में बात करने वाला है इस फोन की कैमरा, तो इस कैमरा पीछे दो मिलेंगे, पहले बताया कैमरा आपको दो मिलेंगे, मेन जो कैमरा इधर रहने वाला है वो भाई 50 MP का मेन कैमरा होने वाला है, साथ में भाई 13 का अल्ट्रावाइड भी दे रहा है, जो गाइस बहुत ही एक बढ़िया कदम उठाया गया है भाई मोटोरोला की तरफ से। भाई एक लाइक तो जरूर से बनता है, इसलिए कि भाई 13 का अल्ट्रा देते हैं भाई सभी कंपनी, आप जितने भी सारे मेजर कंपनी देखेंगे ज़्यादातर ज़्यादा भाई 8 MP का अल्ट्रा देते हैं, भाई इधर आपको 13 का अल्ट्रा मिलेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड साथ में आपको इधर 32 MP का एक मिडिल पंचो सेल्फी कैमरा मिलेंगे, जो कि और भी चांद चंद लगा देते हैं इसके ऊपर, एंड बहुत ही अच्छे फोटोज खींच सकते हो। एंड जो मेन कैमरा है 50 MP का, उसमें आपको OIS का सपोर्ट भी देखने के लिए मिलेंगे, तो कैसे वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी बहुत ही स्टील खींच सकते हो। तो दोस्तों ये था इसका कैमरा, बात करेंगे इसमें बैटरी, तो गाइस 4400 mAh की बैटरी है, साथ में 68 W का फास्ट चार्जिंग, साथ में 15 W का वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट इधर दे रखा है। और दोस्तों इस फोन में आपको एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स ही मिलेंगे, डुअल स्पीकर का सपोर्ट, वाईफाई, ब्लूटूथ सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों फाइनली बात करेंगे इस फोन की प्राइसिंग एंड लॉन्च डेट, तो गाइस ये जो प्राइसिंग पे आने वाला है भाई, मेरे प्रेडिक्शन है कि भाई ये अंडर 30,000 आने वाला है, डेफिनेटली आने वाला है, क्योंकि भाई 32 MP का मेन कैमरा OIS के साथ ही आने वाला है, साथ में मेटल का फ्रेम लगा जा रहा है, एंड अच्छे कैमरा इस बार देखने के लिए मिलेंगे। साथ में इसमें आपको 68 W का फास्ट चार्जिंग एंड 8020 का एक नया प्रोसेसर, बट ये नया प्रोसेसर नहीं है, यह एक पुराना ही प्रोसेसर है, तो उसको देख के मुझे थोड़ा सा प्राइसिंग इधर थोड़ा सा हाई देखने के लिए मिल सकता है। तो कैसा अंडर 30,000 मिलेंगे, डेफिनेटली 30,000 के आने वाला है, 30,000 में आने वाला है, मतलब अंडर 30,000 में ये फोन आपको इंडिया में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था इसका प्राइसिंग, अभी हम बात करेंगे इस फोन की लॉन्च डेट, तो गाइस ये 23rd May को ऑफिशियली इंडिया में डिब्यू होने वाला है, ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा इंडिया में, एंड उस दिन और एक वीडियो आने वाला है डेफिनेटली, तो गाइस इसलिए चैनल पे जब से स्टे ट्यून करते रहना ऐसे वीडियोस का अपडेट पाने के लिए। एंड बहुत ही अच्छे फ़ोन हो सकता है अगर प्राइसिंग बहुत ही एग्रेसिव होंगे, तो अगर गाइस प्राइसिंग एग्रेसिव रखता है इधर मोटोरोला, तो गाइस बहुत ही अच्छे फोन यह हो सकता है, बट दिखा जाएगा जब भी इसका ऑफिशियल कुछ प्राइसिंग या कुछ भी लीक्स निकल के आ जाएंगे, प्राइसिंग को लेके कुछ भी निकल के आ जाएंगे, आपको जरूर से पसंद, इसलिए भाई चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे जरूर से लाइक भी कर देना। तो दोस्तों चलते मिलते हैं नेक्स्ट और कमल के वीडियो में, तो बाय बाय।